यह काम आसानी से हो रहा है आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। तो आज हमें हमारे घर से 7-8 किलोमीटर दूर एक बेड़ा करके गांव है, वहां से हमें एक टीचर का कॉल आया। उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल के आंगन में सांप चला गया है। तो चलो देखते हैं कि वो कौन सा सांप है और हमने उसे कैसे रेस्क्यू किया। तो अभी हम इधर पहुँचे हैं। हम जैसे ही पहुँचे तब उन्होंने बताया कि यहाँ सामने पत्तों के नीचे सांप बैठा है। उन्होंने बोला कि कभी वो बाहर आता है और कभी अंदर चला जाता है। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि हम दोनों को अलग अलग साइड रहना पड़ेगा। और मेरी मम्मी ने और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सांप के बारे में उनसे पूछी। फिर हमने पत्तों को हटवाने के लिए उनसे लकड़ी मंगवाई। बाद में 5-6 मिनट तक सांप को ढूंढने के बाद हमें फाइनली वो पत्तों के नीचे से निकलता हुआ दिखा। थोड़ी दौड़ धाम में कैमरा सही से स्टेबल नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कैमरा अपनी जगह हो गया था। ये जो सांप है इसका नाम रेड स्नेक है और उसे हिंदी में दामन भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा छूटने का प्रयास कर रहा है, बट आसानी से वो पकड़ा भी जाता है। आप देखिए वो कितनी इजीली चला गया। तो आपने देखा कि हमने कैसे उस सांप को रेस्क्यू किया। उस सांप का नाम है रेड स्नेक, उसे हिंदी में धामन और गुजराती में धामण भी बोलते हैं। यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता और गुजरात के सबसे तेज भागने वाले सांप में इसकी गिनती होती है। हमने जो सांप रेस्क्यू किया वो तो अभी 3 या 4 फीट का ही था, लेकिन इसकी मैक्सिमम लेंथ 8-12 फीट तक हो सकती है। इस सांप की पहचान आप इस सांप के कुछ फोटो देख ही कर सकते हैं। सबसे पहले इस सांप को पहचानने के लिए इसके मुंह पर जो ब्लैक लाइंस होती है उससे ये सांप आसानी से पहचाना जा सकता है। आप इस फोटो में उसके मुंह पर की ब्लैक लाइंस देख सकते हैं। इस सांप की पहचान उसके शरीर पर लगी हुई धारियां भी होती है। आप इसके शरीर पर पूरी ब्लैक लाइंस भी देख सकते हैं। ये सांप पूरा ब्लैक भी नहीं होता, ये हल्का पीला रंग का होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस सांप की एक खूबी होती है कि आप इसे 2-3 मिनट तक अपने हाथ में सहलाते रहेंगे तो यह आपको काटना भी बंद कर देता है। आप इस फोटो में भी देख ही सकते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मैंने कितनी इजीली उसको हाथ में पकड़ा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये एक और फोटो है। तो चलो अब चलते हैं रिव्यू वीडियो की ओर। हमारे स्कूल में जब सांप आ गया त्यारे हमें आज जीव दया प्रेमी वाला सांप पकड़ना ने कॉल करे तो हमने विद इन 10 मिनट के अंदर यहां आवी जे सर जे सांप पकड़ी है पोते जीवता थोड़ी में कैसे ए हमनी मोटा मोटी खूबी के भाई घना बड़ा पकड़वा वाला को मारी नाखता हुआ पण आ सारी रीते पकड़े छे अने एने कोई तकलीफ नथी थई अने सारी रीते पोते छोड़ी दी छे अने आ रीते जे समाज नु सेवा काम करे छे खरेखर अभिनंदन ने पात्र होय छे। सबसे पहले तो मैं अश्विन भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा इस रिव्यू वीडियो के लिए। और अब चलते हैं इस सांप को छोड़ने के लिए। हम जब सांप छोड़ने के लिए आए तब वहां पे बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी हो गया था, इसलिए वीडियो सही से नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। आप देख सकते हैं लेकिन सांप आपको दिखेगा कि कैसे हमने उसे रिलीज किया है। आप अभी देख सकते हैं सांप को। बस तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमारे फैमिली के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं।